दोस्तों, पराठे का नाम आते ही सबके मन में अलग अलग वैरायटी के पराठे का ख्याल तो आ ही जाता होगा। लेकिन आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं, ये पराठा आपने घर पर नहीं कभी बनाया होगा और ना ही कभी खाया होगा, लेकिन इसे आप घर पर भी बना सकते हैं। तो वीडियो के पूरे एंड तक बने रहिएगा, हम आपको इसकी पूरी बनाने की मेकिंग बताएंगे। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से फॉलो कर लें, यहाँ पर हर तरह की वीडियो आते रहती है। दोस्तों, हमारे सामने है रमजान स्पेशल बम्पर पराठा, तो आइए इसकी पूरी मेकिंग देखते हैं। सबसे पहले प्याज, हरी मिर्च, गरम मसाला, जीरा पाउडर, नमक, धनिया पाउडर, कोथमीर और इन सबको मिलाकर अच्छी तरह मिक्स किया गया है उसमें, और बाद में इसके ऊपर चिकन के पीस इसके ऊपर और डाले गए हैं, और उसके बाद इसे हाथों से मिक्स किया जाएगा। अच्छी तरीके से मिक्स होने के बाद इसे प्लेट में निकाला जाएगा। बाद में इसके ऊपर थोड़े चिकन के पीस और गार्निश किए जाएंगे, और इसके बाद सेम प्रोसेस में मटन के जो कीमा है उसे भी इसी तरीके से ऊपर से डालकर और उसे अच्छी तरीके से मिक्स किया जाएगा। तो मैदे को बिल्कुल नर्म गूंदा गया है और बाद में इसे हाथों से फैलाया जाएगा। अच्छी तरीके से पराठे के लिए मैदे को फैलाया गया है, और इसके बाद अब इसके ऊपर जो मसाला डाला जाएगा, मसाला अच्छी तरीके से फैला दिया जाएगा, और बाद में इसके ऊपर अच्छी क्वांटिटी के अंदर इसके ऊपर पूरा मसाला ऐड कर दिया गया है। अब इसको मिर्च और 17 अलग मसालों के मिश्रण से बनाया हुआ मसाला उसमें अंडा डालकर अच्छी तरीके से मिक्स किया गया है, और वो उसे पराठे पर डाला गया है, और उसके बाद पराठे को मैदे से लपेट दिया जाएगा, और इसी तरीके से सेम प्रोसेस रहेगी, बस ऊपर से पनीर डाल दिया जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा पनीर पराठा। इसे भी अच्छी तरीके से डाल दिया गया, उसके ऊपर अंडे का मिश्रण डाला जाएगा, और बाद में इसे पराठे को लपेट दिया जाएगा। अंडे को अच्छी तरीके से मसालों के मिश्रण में मिक्स किया जा रहा है। अच्छी तरीके से मिक्स हो जाने के बाद इसे पराठे के मसालों के ऊपर डाल दिया गया है, और बाद में सेम प्रोसेस इसे फिर से वापस से लपेट दिया जाएगा। तीनों अलग तरह के हमारे जो पराठे हैं वो अब बिल्कुल तैयार हो गए हैं रेडी तलाने के लिए, और इन्हें धीमी हल्की आंच पर तला जाता है। आप देख सकते हैं तवा इतना बड़ा है, 5 फुट 5 इंच का तवा है, ये काफ़ी बड़ा तवा है, इसके ऊपर इस पराठे को तला जाता है। 10 इंच का ये पराठा है और पूरा भरा हुआ है। इसका पराठा खा सकते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो रमज़ान होने की वजह से हम इसका यहाँ टेस्ट तो नहीं बता सकते। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और ऐसी और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो करना।